नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीपावली का त्यौहार आते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, दियो का दर्द किसी को नहीं देता दिखाई। मुख्यमंत्री रघुवर दास 6 नवंबर को ओवरब्रिज का शिलान्यास समेत 150 करोड़ की योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। वहीं घाटशिला में एक महिला खाना पकाते समय जल गई, एमजीएम अस्पताल में किया गया है भर्ती। और जमशेदपुर के एक व्यापारी ने किया हेलमेट वितरण। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्यौहार आते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, लेकिन अब चकाचौंध भरी दिवाली में दियो का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, या यूं कहा जाए कि लोग देखना ही नहीं चाहते। एक जमाना था जब दीपावली पर दियो से घर जगमगाया जाता था, लेकिन आज उनकी जगह लाइट ने ले ली है। आइए दिखाते हैं आपको दियो का दर्द। ये वही दिए हैं जिन्हें हम कभी अपने घर पर दीपावली के मौकों पर लगाने में गर्व महसूस करते थे और इससे हमें खुशी मिलती थी। अमावस की रात में टिमटिमाते दियो की ये रोशनी दिल को छू जाती थी, लेकिन अब इन दियो का दर्द किसी को नहीं देता दिखाई। कारण है, दियो का स्थान अब बिजली से चमकने वाले लाइट ने ले ली है। इन दियो को बनाने वाले कुम्हार भी अब समझ चुके हैं कि इन दियो को बेचकर उनकी रोजी नहीं चल सकती, जिस कारण वे खुद को इस पैसे से दूर करते जा रहे हैं। कुम्हारों के अनुसार पहले जहां लोग 200 से 500 दिए लेकर जाते थे, वहीं आज लोग 10 दिए में काम चलाते हैं। कम मात्रा नहीं बन रहा है कि आदमी करने वाला कोई नहीं चाहता है। अभी मिट्टी के काम करने के लिए बहुत कम हो गया है और दिया लेने के लिए आदमी भी बहुत कम हो गया। देखते थे कुम्हार पाने का जब आते थे तो सब घर बनते रहता था, और अभी तो किसी घर देख रहे हैं पहुँच चाक चलते हुए। पहले आदमी तो लेते थे 100, 200, 150, 500 दिया लेकर आदमी घर में जाते थे, दिया सजा के अपना घर में जलाते थे। अब अभी तो 100 दिया भी नहीं लेते हैं, 2 दर्जन 1 दर्जन कोई 10 ठो ले जाके घर में काम चला ले। वही एक महिला कारीगर के अनुसार न केवल दिए बल्कि दीपावली के मौके पर मिट्टी से बनने वाले बर्तन व खिलौने की भी खूब बिक्री होती थी, लेकिन अब वो भी ना के बराबर हो गई है। वैसे इन खिलौनों को बनाने व अंतिम रूप देने में ये महिला कारीगर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अब इनकी बिक्री कम हो जाने से ये भी उदास हैं। इनके अनुसार जहां पहले ढेर सारे खिलौने बनाए जाते थे, वहीं आज के दिन में केवल 100 पीस खिलौने बनाए जाते हैं और वो भी पूरी तरह नहीं बिक पाते। इनके अनुसार जब तक वे सक्षम हैं तब तक परंपरा के अनुसार वे इस कार्य को करते रहेंगे, लेकिन उनके बाद की पीढ़ी इस पेशे से दूर होती जा रही है। क्या काम कीजिएगा इसको, इसमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता, लेकिन परंपरा चलते आ रहा उसके लिए इस काम को रखा गया है। बस हमारा अगर मिट्टी का दुकान साक्षी में नहीं होता तो हम शायद ये काम नहीं कर पाते। मैंने पहले क्या था, जैसे भात का हंडी हो गया, दाल का हंडी हो गया, इस तरह का 2000-2500 बनता था। बहरहाल जो भी हो, पर ये सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले दिनों में ये दिए वाकई लुप्त हो जाएंगे, क्या दीपावली परंपराओं से हटकर आधुनिक रूप ले लेगी। इन बातों का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन अगर अब भी लोग चाहें तो चकाचौंध से हटकर पारंपरिक दिवाली मनाएं तो ये दीवे लुप्त होने से बच जाएंगे। जमशेदपुर के सीएम रघुवर दास द्वारा 6 नवंबर को जुगसलाई रेलवे आरओबी ब्रिज सहित 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त के अनुसार ये दीपावली पर राज्य सरकार द्वारा तोहफा शहरवासियों को दिया जा रहा है। यह जो नजारा आज देख रहे हैं वह जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक का है, जहां जुगसलाई सहित कई इलाकों के लोगों का इस रेलवे फाटक को पार कर आना जाना करना पड़ता था। हर वक्त इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती थी। जुगसलाई ओवरब्रिज बनने की मांग वर्षों से चली आ रही है और अब जाकर क्षेत्र की जनता राहत की सांस ले रही है। क्षेत्र की जनता को दीपावली के मौके पर राज्य सरकार की ओर से तोहफा मिलने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री 6 नवंबर को इस आरओबी ब्रिज का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर क्षेत्र की जनता सहित जिला प्रशासन में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ये चालू हो जाने के बाद इस ओवर ब्रिज को हम लोग जो है, हमारे दादाजी लोग इंतजार करते हुए ऊपर सिधार गए, उनके आत्मा को भी शांति प्रदान होगी अगर ये बन जाता है तो। पर ये तो हमें अभी भी आता तो मैंने उनका तहे दिल से स्वागत है, उनका तहे दिल से स्वागत है, और जल्दी से अगर ये बन जाता है तो जुगसलाई ही नहीं, आसपास का काफी बड़ा इलाका जो है इसको इससे लाभान्वित होगा। वहीं घाटशिला में खाना पकाने के दौरान जमूरा दास नामक महिला जल गई, उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जमूरा दास रविवार को अपने घर में खाना पका रही थी। खाना पकाने के दौरान महिला का हाथ और मुंह जल गया।
महिला को पहले घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां से महिला को MGM अस्पताल वुमेन्स वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। इधर महिला के पति विनोद दास ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। रोटी बनाता था सर, मेरी टाइप का मुंडी घुमा तो गिर गया। उसके बाद हम बाहर घर से जब बाहर निकले कि देखा कि वो बैठा हुआ है, हम देखा क्या हो रहा, देखा कि हाथ मुंह और थोड़ा छाती जला। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, वो बोला नहीं आँख तो खुल नहीं रहा है, हम टाटा भेज दे रहे हैं, टाटा लेके जाओ। अब यहाँ आए तो यहाँ बेड भी नहीं है और कैसे रखे। अब कहाँ से हैं? घाटशिला से। इनका नाम क्या है? जम्बू दास। वहीं जमशेदपुर के एक व्यापारी ने अनोखी पहल करते हुए लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने तथा बाइक चालकों के जीवन रक्षा के उद्देश्य से हेलमेट वितरित किए। इस दौरान जमशेदपुर ट्रैफिक DSP भी मौजूद रहे। वैसे आए दिन जमशेदपुर शहर में वाहन जांच अभियान चलाया जाता है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में शहर में एक व्यापारी ने लोगों के बीच अपनी जान की सुरक्षा और हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से निःशुल्क हेलमेट का वितरण बाइक चालकों के बीच किया। मौके पर जमशेदपुर के ट्रैफिक DSP ने खुद पहुंचकर चालकों को हेलमेट पहनाया और सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक DSP ने इस विषय में कहा कि ये पहल काफी अच्छी है और उम्मीद है कि लोग इससे जागरूक होंगे। वहीं व्यापारी के अनुसार दीपावली के मौके पर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा ग्राहकों को गिफ्ट दिया जाता है। इस बार गिफ्ट की जगह हेलमेट देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि शहर में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं कम हो। फिफ्थ रेंज के मोबाइल लेने के बाद ये मोबाइल हेलमेट फ्री देता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, वो आराम से पहन सकते हैं, या जिनके पास है भी तो ये अच्छा क्वालिटी का ISI मार्क हेलमेट है देंगे, तो इसे अच्छा संदेश जाएगा कि हेलमेट पहन के चलिए। हम लोगों का है कि अपना सेफ्टी, आज हम लोग दिवाली के उपलक्ष्य पे कुछ ना कुछ गिफ्ट बांटते हैं और ये एक सोशल कॉज भी हो जाएगा। आज अपने ट्रैफिक पुलिस पूरा प्रशासन इतना मेहनत कर रहा है कि सबकी सेफ्टी हो, इतने बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमने सोचा कि हम इधर उधर का चीज़ नहीं बांट के कोई सेफ्टी वाला चीज़ करें जो कि अपना देश का उन्नति में थोड़ा सा सहयोग दिया जाए, एक्सीडेंट अपना कम हो और जान बचे लोगों की। वही अपना मेन उद्देश्य है कि हर एक मोबाइल के साथ एक सर्टन अपना जो है उसका सेफ्टी का कुछ भी ध्यान रखा जाए। वहीं सरकार के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने और लोगों के बीच कार्ड वितरण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कार्यक्रम में सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित तो वार्ड संख्या 18 में लोगों के बीच कार्ड वितरण किया गया। नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह और वार्ड 18 के वार्ड पार्षद रंजन सिंह ने 700 लोगों के बीच योजना में चयनित लाभुकों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए। साथ ही इस मौके पर लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जानकारी भी दी गई ताकि लोग अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठा सकें। कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन वार्ड 18 के जन कल्याण केंद्र कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जन कल्याण केंद्र के सक्रिय सदस्य भी मौजूद रहे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्री एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं, विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अब हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं, तो ना करें देर, जल्द पहुंचे
फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हां, हर अवसर शादी ब्याह पार्टी हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728 साक्षी बाजार जमशेदपुर, फोन 2435138 और 9431329002। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनिश्चित सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटी जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166, प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट,
जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम दो बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र मांझी टोला के पंचवटी नगर में बिना किसी सूचना के घटिया सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रखंड 20 सूत्री सदस्य व भाजपा नेत्री दुर्गादास को मिलने पर उन्होंने सड़क निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। इससे पूर्व बीसी सूत्री सदस्य दुर्गादास ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए किस मद में किस राशि से इस योजना का निर्माण हो रहा है, इसकी भी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बिना स्थानीय लोगों के सूचना के ठेकेदारों द्वारा चुपचाप तरीके से बिना तय मानकों के सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जबकि यह किस फंड से बन रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है। सड़क निर्माण देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि बिना गुणवत्ता के काम हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि किसी भी हाल में यहां घटिया सड़क निर्माण नहीं किया जाएगा, जबकि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की जाएगी। घटिया सामग्री से रोड बनाया जा रहा है, किस निधि से रोड बन रहा कुछ पता नहीं चल रहा, शिलापट कहीं में भी शिलापट नहीं लगा हुआ है, और ये डस्ट धूला, ये धूला डाला हुआ है और छोटा छोटा पत्थर डाला हुआ है। हाँ, इसमें अगर एनआईसी का भी काम होता नगर निगम का तो इसमें ईटा सोलिंग होता, अगर संसद निधि से भी होता तो इसमें बोल्डर डाला होता, एक किस निधि से काम हो रहा। वहीं सरायकेला जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन भी घाटों की साफ सफाई और घाटों के मरम्मत को लेकर कमर कसता दिख रहा है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत छठ घाटों पर नगर निगम द्वारा आनन फानन में साफ सफाई कार्य कर घाटों को चकाचक कर दिया गया है। शनिवार को जिले के उपायुक्त छवि रंजन आदित्यपुर के रोड नंबर 32 घाट, रोड नंबर 7 घाट समेत कुल पटांगा छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। साथ इस मौके पर नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी दीपक सहायक और अन्य कर्मचारियों को घाटों की साफ सफाई के साथ अन्य कार्य किए जाने को लेकर संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए। छठ पर्व को लेकर जो घाट है सरायकेला और आदित्यपुर में, उसमें तैयारी को देखकर साफ सफाई जो है दशहरा के समय में जो भी मूर्ति विसर्जन हुआ, वो सबकी साफ सफाई करते हुए घाट का रख रखाव, बिजली, पार्किंग, ये सबकी सुविधा को मुआयना करने के लिए हम लोग निकले, इसलिए कुछ निर्देश दिया गया है कि सबकी व्यवस्था की जाए। तो अभी तो साफ सफाई पूरी कर दी गई है, अभी हम लोग वहीं से अभी जा ही रहे हैं वहाँ पर, और मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर कोई गंदगी है अभी, और हम लोग अभी दोबारा वहीं जा ही रहे हैं। जमशेदपुर पोर्ट का दिवाली को लेकर हल्दी पोखर के बाजार में मिट्टी के बर्तन, दिया और बांस की टोकरी, सूप की जमकर हुई बिक्री। बताया जा रहा है कि उड़ीसा और बंगाल से काफी संख्या में लोग हल्दी पोखर बाजार में दीपावली के दो दिन पहले ही बाजारों में खरीदारी करने के लिए आते हैं और सामानों की खरीदारी करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व अपना होमवर्क कर रही है, साथ ही अपने चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसी क्रम में भाजपा और आईईटी मंडल द्वारा चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। बूथ कमेटियों का विस्तार करते हुए बूथ सदस्यों की सूची तैयार कर ली गई है, साथ ही सदस्यों का पूरा ब्योरा समेत डाटा बेस भी मंडल द्वारा तैयार कर लिया गया है। सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट बना दिए गए हैं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी दमखम के साथ सभी बूथों पर जीत तय करे। आदित्यपुर में भाजपा के कोल्हान सह संयोजक विनोद श्रीवास्तव के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बूथों की सूची मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव को सौंपा। ये हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव का तैयारी है। हम लोग चुनाव के समय जब कोई भी चुनाव आता है तो हम लोग तैयारी करते हैं कि कितने वोटर है, कौन गांव को, कौन बूथ को प्रभावित करता है, वो वहां के दूसरे दल के कौन कौन कार्य करता है, उसके बाद अपने कितने कार्यकर्ता के पास मोबाइल है, कितने कार्यकर्ता के पास मोटरसाइकिल है, अगर कोई मोटरसाइकिल रैली निकालना होगा, तो इस तरह का सारे विषयों का हम लोग संकलन कर चुके हैं।
जमशेदपुर में किड्स नेशनल प्ले स्कूल और मेड मंत्रा द्वारा गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। आजाद नगर के ओल्ड पुरुलिया रोड में स्थित एक हॉल में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे, जहां माइंड मंत्र और किड्स नेशनल प्ले स्कूल द्वारा आयोजित गणित प्रतियोगिता के विजेता नन्हे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए किड्स नेशनल प्ले स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हुजैफा आलम ने कहा कि माइंड मंत्र के द्वारा दो क्लास किड्स प्ले स्कूल में चलाया जाता है, जहां बच्चों को गणित के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, जिसका सीधा लाभ बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। हम इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने का अवसर देते हैं, ताकि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को लोग समझ सकें। किड्स नेशनल प्ले स्कूल में 29 अक्टूबर को मैथ्स कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन आयोजन किया गया, जिसमें से 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज उन लोग बच्चों का ड्राइंग और मैथ्स कंपटीशन वाले तो बच्चों का आज प्राइज सेरेमनी किया जा रहा है। कैसा लगता है कि माइंड मंत्रा से कितने लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल सर, माइंड मंत्रा से बहुत सारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जो मैंने पहले बच्चों का देखा था स्टेटस, और अभी के आफ्टर माइंड मंत्रा क्लास के बाद बच्चों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया, सबसे सारे कैलकुलेशन जितने भी हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। पापा पापा, मेरा नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में। जहां सुरक्षा की गारंटी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ICSE स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों, और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी, एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक AC गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहां आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहां आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी,
फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार, नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर। 0657229093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं अनेक जगह से गेचिला, वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহীঁ লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সভি পরেশানিও সে নিজাত পায়ে। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করে জেমকো, আদিত্যপুর, সাক্ষী, সোনারি, মানগো, গোলমুড়ি। মোবাইল নম্বর 9874482680, 9430715730, 9709052086। ব্রেক কে বাদ এক বার ফির সে আপকা স্বাগত হ্যায়। जमशेदपुर में MB ऑप्टिकल सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां अत्याधुनिक तकनीकों से लोगों की आंखों का इलाज किया जाएगा। मानगो डिमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला के समीप MB ऑप्टिकल सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां आंखों में होने वाली सभी बीमारियों का निदान आई स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाएगा। वहीं अत्याधुनिक तकनीक की मदद से लोगों की आंखों की इलाज किया जाएगा। वहीं संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए MB ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्टर आफताब अहमद ने कहा कि इस क्षेत्र में ऑप्टिकल की दुकान नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस क्षेत्र का पहला MB ऑप्टिकल सेंटर है, जहाँ लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कम कीमत पर लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जहां हम कंप्यूटराइज टेस्टिंग कर लोगों के आंखों का इलाज करेंगे। पहले इस क्षेत्र में क्या है? ये पहली दुकान है MB ऑप्टिकल, इसमें डॉक्टर का टेस्टिंग है, उसके बाद कंप्यूटराइज टेस्टिंग भी है और हर तरह का फ्रेम जो है अवेलेबल है। क्या कॉस्ट पड़ रहा है? ये आपको 300 से लेकर के 800 तक। क्या लोगों को और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? इसमें सुविधा यही होगा कि किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग लेंस चेंज करेंगे, और इसमें अगर स्क्रेच थोड़ा बहुत भी आ जाता है ग्लास में तो उसको चेंज कर देंगे, प्लास्टिक में नहीं आता। वहीं भाजपा महानगर OBC मोर्चा की ओर से मानगो बस स्टैंड स्थित होटल क्रिस्टल में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश OBC के निर्देश पर रविवार को भाजपा महानगर OBC मोर्चा की ओर से मानगो बस स्टैंड स्थित होटल क्रिस्टल में एक दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। एकत्रित रक्त से जरूरतमंद गरीब मरीजों की जीवन रक्षा के लिए मदद की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर के बैनर तले आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया मानगो बस स्टैंड क्रिस्टल होटल में। पार्टी का लंच है, लंच हम झारखंड में 300 यूनिट रक्त संग्रह कर रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर को टारगेट मिला 200+, तो हम लोग अचीव करेंगे 200+ होने जा रहा हम लोग का ब्लड। और ब्लड डोनेशन करने का उद्देश्य था, यहाँ पर जितने भी
गरीब है, मरीज है, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, जो समय पे नहीं मिल पाता है, जिसको हम लोग मुहैया कराएंगे अपना ओबीसी मोर्चा जमशेदपुर महानगर के तहत, उसी को उद्देश्य के लेकर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाए हैं। वहीं श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी MIG और LIG की ओर जनता रो हाउस द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य और धूमधाम से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 5 नवंबर को शाम 5 बजे पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया जाएगा, जबकि इस मौके पर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष R. रवि प्रसाद, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश शुक्ला समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष सह 20 सूत्री सदस्य शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 8 नवंबर को शाम 7 बजे लोकप्रिय भोजपुरी गायिका निशा पांडे और प्रियंका सिंह के द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उराव, सांसद PN सिंह, सांसद रविन्द्र राय, राज्यसभा सांसद समीर उराव शामिल हो रहेंगे। अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार कमेटी 5 लोगों को सम्मानित करेगी जिन्होंने समाज के उत्कृष्ट योगदान दिया है। साथ ही इस मौके पर पंडाल उद्घाटन के साथ 1000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया जाएगा। काली पूजा कमेटी MIG द्वारा धूमधाम से पूजा की जा रही है माता का, जो हर वर्ष होता है उसी प्रकार से आज 5 को शाम 6 बजे पंडाल का उद्घाटन माननीय अर्जुन मुंडा जी, लक्ष्मण गिलुआ जी, महापौर कमलों द्वारा किया जाएगा। अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे। 1000 व्यक्तियों को कमल का वितरण किया जाएगा। अपने जो बंता नगर हो या हरजन बस्ती हो, हमारे गरीबों के बीच में कूपन बांट दिया गया है 1000, और साथ ही साथ एक स्मारिका का विमोचन किया जाएगा इन नेताओं के द्वारा, मान्य हमारे अतिथियों के द्वारा। और 5 व्यक्ति को हर क्षेत्र से हम लोगों ने तय किया है कि 5 व्यक्ति को सम्मानित करेंगे। वहीं जमशेदपुर में धनतेरस को देखते हुए विकास ज्वेलर्स द्वारा ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार रखे गए हैं, जहां ग्राहकों को खरीदारी पर कई छूट विकास ज्वेलर्स द्वारा दी जा रही है। जमशेदपुर में एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस के दिन 200 करोड़ का कारोबार होता है, जिसमें अधिकांश लोग सोने के आभूषण खरीदते हैं। ऐसे में विकास ज्वेलर्स ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई उपहार रखे हैं, जहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमर पड़ी है। वहीं विकास ज्वेलर्स के द्वारा अधिक सोने की खरीदारी पर चांदी के सिक्के ग्राहकों को मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और उपहार ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए विकास ज्वेलर्स के डायरेक्टर ने कहा कि इस वर्ष विकास ज्वेलर्स के द्वारा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चांदी के सिक्के के साथ साथ आकर्षक उपहार सोने की खरीदारी पर दिए जा रहे हैं, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोग का भरपूर संयोग प्राप्त हो रहा है। जो कि धनतेरस में बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑफर चला रहे हैं, गोल्ड पे मेकिंग का सिर्फ 10% दिए जा रहे हैं, सिल्वर में नो मेकिंग, डायमंड में भी नो मेकिंग। ये सिर्फ जमशेदपुर में यही एक शॉप है जहाँ पे सबसे मिनिमम मेकिंग में सही सामान दिए जा रहे हैं। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार, पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा और क्या क्या दे रहे हैं विकास ज्वेलर्स? बहुत सारे हम लोग गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं इस पर। हम लोग कस्टमर को जहाँ तक उतना सेटिस्फाइड करना उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि कीटादी स्थित त्रिमूर्ति चौक पर भाजपा बागबेड़ा मंडल की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री लल्लन यादव ने बताया कि 6 नवंबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास चुकसलाई रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर रैली के शक्ल में पहुंचने के लिए बैठक में रूपरेखा तैयार की गई है। तारीख को 2:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम जुगसलाई स्थित फाटक पे होने जा रहा है। इस संबंध में आज घाघरी मंडल की एक बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया कि बाइक रैली के रूप में हम लोग वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चलते चलते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दीपावली का त्यौहार आते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, दियो का दर्द किसी को नहीं देता दिखाई। मुख्यमंत्री रघुवर दास 6 नवंबर को ओवर ब्रिज का शिलान्यास समेत 150 करोड़ की योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। वहीं घाटशिला में एक महिला खाना पकाते समय जल गई, MGM अस्पताल में किया गया है भर्ती।
और जमशेदपुर के एक व्यापारी ने किया हेलमेट वितरण। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब बने रहिए हमारे साथ।